यह है कि कांग्रेस के पास राजस्थान के लिए, देश के लिए कोई काम करने के लिए मंगल कल्पना नहीं है, शुभ विचार नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं। अपने कुशासन को ढकने के लिए कांग्रेस ने एक और नया फॉर्मूला खोज लिया है। ये फॉर्मूला है झूठी गारंटियों का। राजस्थान के किसान और नौजवान तो इसके भुक्तभोगी हैं। ये लोग 10 दिन में गारंटी पूरी करने वाले थे, याद है ना? ये गारंटी याद है ना, उन्होंने पिछली बार दी थी 10 दिन में पूरे करने वाले थे। आप मुझे बताइए, जो कांग्रेस ने कहा था, जो वादा किया था, वो निभाया क्या? वो पूरा किया क्या? जो कहा वो किया क्या? भाइयों और बहनों, ये ऐसी गारंटियां देते हैं जिनको अगर अमल में लाया जाए तो राज्य और देश दिवालिया हो जाएगा। दुनिया में आज जो देश दिवालिया हो रहे हैं उनकी स्थिति आप देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का यही विजन है, यही नीति है। इसलिए कांग्रेस से राजस्थान के लोगों को बहुत सावधान रहना है। साथियों, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बहुत जरूरी है। इस दशक के अगले 7 साल बहुत अहम है। इन 7 सालों में देश के लोग भारत का कायाकल्प होते हुए देखेंगे। भारत का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक एयरपोर्ट दुनिया में किसी देश से कम नहीं होंगे। भारत के लोगों के पास दुनिया के किसी देश से कम सुविधाएं नहीं होगी। भारत के लोगों के पास शिक्षा के, स्वास्थ्य के बेहतरीन संसाधन होंगे। भारत दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री के रूप में उभर आकर का आने वाली है। भारत दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक देशों में से एक बनेगा। भारत दुनिया में सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक बनेगा। इन सभी में राजस्थान के लोगों को बहुत बड़ी भूमिका निभानी है। पराक्रम और परिश्रम की पुण्य भूमि नवनिर्माण का आह्वान कर रही है। इस नवनिर्माण को आशीर्वाद देने के लिए आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं, आपने 9 साल मुझे काम करते देखा है, बिना थके बिना रुके, सिर्फ और सिर्फ 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार, यही मेरा परमात्मा। और अभी भी आपके उज्जवल भविष्य के लिए जी जान से जुटा रहूंगा। ये आशीर्वाद, ये आपके आशीर्वाद ही मेरी ताकत है, वही मुझे काम करने की प्रेरणा देती है। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।